अस्सलाम वालेकुम, आज ग्रीन गोल्ड एग्रीसीड प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम पे मौजूद है जनाब करमपुरा सिंध के इलाके। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जिस फील्ड में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 110 एकड़ पे हमारा वाइट वॉल एप्पल खरबूजा काश लॉब है। आज इसकी हार्वेस्टिंग हुई है और हार्वेस्टिंग के बाद अभी यहाँ पे फील्ड में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी जो क्रॉप की कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि बेहतरीन प्रोडक्शन है और बेहतरीन इसका जो है वो प्रोड्यूस यहाँ पे बढ़ा है। हमारे साथ हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है और जो प्रोडक्शन की टीम है जिसकी शबो रोज मेहनत के बाद ये जो बीज है वो इस फार्मर तक पहुँचा है वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम अपने R&D ऑफिसर जनाब अबूबकर साहब से बात करते हैं कि हमें बताएं कि इस जो ये जो बीज है इसका स्कोप यहाँ पे सिंध में क्या है। प्रोडक्शन टीम से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हाथों से ये बीज जो है वो होती करता है। तो अगर हम लोग वाइट वाइट बॉल F1 की बात करें तो शायद एक सामने सबसे मीठा खरबूजा इसको कहा जाता है। अगर विकास की क्लास की बात की जाए तो 15 से 16 फीटर विकास का क्लास है इसके अंदर। फिर उसके बाद एक फार्मर की सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है फार्मर का बाइक खेलों में आएगी। तो अगर हम लोग ग्रीन गोल्ड वाइट बॉल F1 की बात करें तो के अंदर ये लाइक के लिए तैयार हो जाता है। ना सिर्फ लाइक के लिए तैयार होता है बल्कि साइज होता है वो 1.5 से 2 किलो होता है। तो जो फार्मर पसंद करता है खासतौर से सिंध के इलाका है जो सिंध हमारा इलाका है वहाँ जो वजन पसंद किया जाता है वो 1.5 से 2 किलो पसंद किया जाता है। उसके बाद अर्ली मेचोरिटी जो अगेती है वराइटी को पसंद की जाती है। बिल्कुल जो हमारा ग्रीन गोल्ड का वाइट बॉल F1 है ग्रो करता है ये फार्मर। देखिए ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर मार्केट में आती है लास्ट। और अगर मार्केट में भी ये बाकी हवाई तो तभी इसका रेट जो है वो अच्छा मिलता है। आज इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, फार्मर के जो तासुरात है जो इनके बर्ड है उनसे लगता है कि ये हार्वेस्ट ये नहीं था, इनके लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल था। मैं फार्मर से बात करता हूँ कि इन्होंने यहाँ से जो हार्वेस्टिंग की है उसको कहाँ भिजवाया है। जी जनाब रवि महाराज साहब। भाई जान हमने गाड़ी भेजा था आज पेशावर के उधर 40-50 गाड़ी थी, उसमें एक गाड़ी हमारा थी, उसमें बहुत बीज भी थे लगे हुए हर कंपनी के अपने अपने। तो वाइट बॉल जो है हमने लगाया हुआ है बीज, आप देख रहे हो फसल के अंदर बैठे हैं और माल की पैदावार भी है। और दूसरा ये है कि उधर पेशावर के अंदर हाजी भाई तो हमने माल दिया है माशाल्लाह, दूसरे पूरी 40 गाड़ी के अंदर से एक गाड़ी हमारा था, तकरीबन 500 से लेकर 1000 रुपये तक एक कार्टन के ऊपर फर्क आया। तो आप उधर पूरे मंडी के अंदर वाह वाह हुई है और लोगों ने देखा है और लोगों ने पूछा है कि ये बीज कौन सा है। उसमें 10 आरती है उधर जिसके पास माल जाता है, वो आरती खुद उधर सब लोगों ने मुझे आज यकीन करो फ़ोन किया कि बिल्कुल वाकई माल बिका है आपका। हाजी वहीद ने भी मुझे बोला है कि इसका जो छोटे से छोटा साइज था वो 2200 का बिका है, जो बड़ा साइज इसका था वो बिका है 3000 रुपये का। तो आज मंडी के अंदर जो रेट था पेशावर मंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेट था 1500 से लेकर 2200 तक, तो हमारा रेट बिका है 1800 से लेकर 3000 रुपये। तो बिल्कुल टॉप का बिका है और बिल्कुल काटन को खोल के बेचा है और मीठा और लजीज निकला है। तो इसलिए और उसका साइज भी था और उसका कलर भी था और उस वजह से हमें रेट मिला है अच्छा। ग्रीन गोल्ड यही चाहती है कि जो सिंध का जिम्मेदार है वो हमारे एग्रीटेक के हाइब्रिड से भरपूर फ़ायदा उठाए और भरपूर फ़ायदा एक तो उसकी ये फील्ड परफॉर्मेंस तो है ही है, इसके साथ साथ मार्केट का रेट भी है। जैसे कि उन्होंने अभी मेंशन किया है जनाब इनका जो खरबूजे का रेट लगा मार्केट में वो साइज जैसा भी था वो बाकी रवायती जो वराइटीज़ थी उनसे बेहतर लगा है। 50 वराइटीज़ के साथ अगर कोई एक वराइटी कम्प्लीट करके पहली दफ़ा जो है वो मार्केट में जाए और मार्केट में जाके अपना एक नाम पैदा करे और फिर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लगे उसका और उसके बाद फिर उसकी एकदम से जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर जनाब डॉक्टर इकराम साहब से बात करता हूँ जो भी इस प्रोडक्ट जो है क्वालिटीज़ जो है उस पर रोशनी डाले और बताएं कि जो फ्यूचर है वो इस प्रोडक्ट का क्या होगा सिंध के इलाके में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। डॉक्टर साहब एक्चुअली वी आर स्ट्राइविंग इन द फील्ड सिंस 1947
1947 से जो है ना वो हम रिसर्च पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हम लेके आते हैं वो एक प्रॉपर चैनल आती है और उसके पीछे हमारी एटलीस्ट 3 to 5 years की जो है ना वो रिसर्च होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैरायटी जो इस वक्त आपके सामने पड़ी हुई है ये अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें जैसा कि यू नो वेरी वेल के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं और सीजनल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं मौसम के अंदर, तो दिस प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लीट पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्योंकि ये अर्ली मैच्योरिंग भी है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इंसेक्ट्स अगेंस्ट द डिजीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वैरायटी जो है इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टू इम्पोर्ट्स। तो फर्टिलाइजर जो फार्मर इतनी महंगे दामों खरीदता है इस वैरायटी के अंदर पोटेंशियल है कि ये बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देती है, तो आपको इसके साइज की सूरत में मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर आज ही पिकिंग हुई है, उसके बावजूद भी हम ये ज़रा दिखाएं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट्स, ये जो नंबर ऑफ फ्रूट्स पड़े हुए हैं ये आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये फ्रूट तोड़ के नहीं रखा हुआ, ये जेन्युइन फ्रूट्स इधर देखें ये बेलों के साथ लगा हुआ है और एक बेल के ऊपर गुच्छों की सूरत में है। ये सिर्फ यही नहीं, पूरे फील्ड को आप विजिट करके देखें आपको इसमें एक जो ह्यूज अमाउंट में नंबर ऑफ फ्रूट्स नजर आएंगे, ऑल्दो कि इसकी पिकिंग अभी आज ही हुई है। तो मेरे ख्याल से आई क्लेम वी बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट वैरायटी इन दिस सेगमेंट और जैसा कि रवि भाई ने बताया कि इसकी मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्राइस फार्मर को और सब। एक चीज मैं और यहां पे नोट कर रहा हूं, आप जरा प्लीज इस पे भी रोशनी डालिएगा, इसका जो साइज यूनिफॉर्मिटी है ना ये, क्योंकि मैं जानता हूं कि मार्केट के अंदर जो ये ग्रेड बनेगा इसके यूनिफॉर्म साइज की वजह से वो बड़ा यूनिफॉर्म और बड़ा अच्छा ग्रेड बनेगा, तो मिक्सिंग है ना माल पे बड़ा होता है, देखिए मैं उस प्रोडक्ट पे बिलीव ही नहीं करता, उस प्रोडक्ट को F1 जनरेशन मानता नहीं जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ना हो, ना वो कलर की सूरत में हो, वो साइज की सूरत में हो। तो ये प्रोडक्ट आप इसका पूरे फील्ड के अंदर कोई भी आप इसका दाना उठा के देखें आपको यूनिफॉर्म भी नज़र आएगी कलर में, आपको यूनिफॉर्म भी नज़र आएगी इसके साइज में और यही इसके जो है ना F1 होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। मैं खराज तहसीन आखिर पे पेश करूंगा हमारे CEO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारा IR डिपार्टमेंट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, हमारा वैरायटी डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है, डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ये सारों की जो अंतर कोशिश है वो जमा हुई है आपके सामने, इसीलिए तो हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड इज द ग्रीन गोल्ड ग्रीन गोल्ड इज द ग्रीन गोल्ड।